हेलो दोस्तों, हमारा प्रिंटर आ गया है। एप्सन कंपनी का मंगाया था हमने ऑनलाइन, और इसको खोलते हैं अब हम। इससे हम केक के लिए फोटो केक होते हैं जो वो निकालेंगे, और इसमें चार कलर आए हैं। ये कलर खाने वाले नहीं होते हैं तो हम इनको साइड पर रख लेते हैं, और इसकी पैकिंग निकाल लेते हैं पूरी। इसके लिए मैंने खाने वाले कलर मंगा रखे हैं जो हम प्रिंट केक फोटो केक में करते हैं प्रिंट। ये कलर है वो चार, ये अपने आप मिक्स हो जाते हैं। जैसा भी कलर हमारी फ़ोटो में होता है वैसा कलर इनमें आ जाता है। इनमें बता रखा है कि कौन सा कलर कहाँ डालना है, और मैंने डाल दिया है वो कलर। अब हम इसको पैक कर लेते हैं। इसकी दो तारे दे रखे हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक वाले का डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे हम इस पर, और जो वाइट वाला है उसको हम लैपटॉप या कंप्यूटर से उसमें लगाएंगे। तो ये वाली तार लगा दी। अब मैं वायर तार को हमारी जो साइड में हिस्सा है साइड में लगा लेते हैं इसमें। उसके बाद हम इसको लैपटॉप से जोड़ लेते हैं वायर वाली तार को, और प्रिंटर को रख लेते हैं। जब हमारा पहली बार प्रिंटर आया था ये, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। इसमें जब फोटो कलर मिक्स होने में तो 10-15 मिनट लगते हैं उस टाइम। और इसको हम अब एक फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं केक की। अभी मैं सिंपल कागज़ में निकाल रहा हूँ, ऐसे फोटो शीट में बाद में निकाल के दिखाऊंगा किसी दिन। तो ये चालू हो गया है। अब हम लैपटॉप पे सेट कर लेते हैं कोई फ़ोटो। तो दोस्तों, पिछले टाइम मैंने चॉकलेट गार्न इसके बारे में बताया था, जो हम फैन और सिगार निकाले थे। उसके बाद 1-1.5 महीना करीब हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली थी अभी। तो कल से हम नए काम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा हमारा एप्पल पाई और फ्रूट टार्ट जिसको बनाना नहीं आता है उनको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। बाकी हमारा कैरेमल सॉस हो गया और फोंडेंट के केक हो गए, चॉकलेट गार्डी जो पहले बता रहे थे उनसे अलग हटके थोड़े वो बताऊंगा। अभी मैं ये प्रिंटर देख रहा था कि हमारा प्रिंटर आ गया था इस, तो मैं इसको देख रहा था कि इसमें निकलते हैं नहीं निकलते। वैसे इसका कलर तो मैंने चालू कर रखा है अभी, इसमें 10-15 मिनट लगते हैं पहले स्टार्ट होने में, तो ऐसे छोड़ रखा है वो। और इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। मैंने एक केक लिया, इसको हम हल्का छोटा कर लेते हैं और ऊपर सेट कर लेते हैं। एक फोटो और इसके साइड पे निकाल लेते हैं। ये हमारी जो सीट होती है ये पूरा इसके बराबर है, और ये पूरी सीट एक बार में भी निकाल सकते हो। इसमें 4-5 फोटो या एक बड़ा केक है जैसे 2 किलो का है तो एक ही फ़ोटो निकलती है। जैसे मैं विराट कोहली की फ़ोटो ले रहा हूँ, हम ऊपर इसको खड़ा कर देंगे तो ये चॉकलेट लगा के तो ये ऊपर छोटी भी निकल सकते हैं। अगर 1 किलो केक है तो आधी सीट में निकालो, 2 किलो का पूरी सीट में। तो हम दोनों को सेट कर लिए हैं, और इसको अब निकाल लेते हैं हम सीट पे, वो कागज़ पे, क्योंकि सीट अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, सीट भी आ चुकी है हमारी। तो इसको निकाल लेते हैं, और हमारा प्रिंटर चेक हो गया। चेक कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, हमारा प्रिंटर चालू है और हमारी फ़ोटो भी निकल गई है। ये अभी पहले निकाल रखी है, पहली फ़ोटो है तो इतना डार्क कलर नहीं आ रहा है, और ये कागज़ में सीट में अच्छा कलर आ जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। कल से हम बताएंगे केक के बारे में और गार्निश के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।